इंडियन रियल्टी वायर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आने वाले मेट्रो लाइन की। क्या होगा मेट्रो का रूट, किन सेक्टर से होकर जाएगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट का मेट्रो और क्या होगी हाउसिंग सोसाइटी से कनेक्टिविटी। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन में घर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। इस हफ्ते प्रदेश की योगी सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसका इम्पैक्ट रियल इस्टेट सेक्टर पर पड़ना तय है। उनमें से एक है जीरो पीरियड का बिल्डर्स को फ़ायदा, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और दूसरा है नोएडा के इक्वालाइन मेट्रो का ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 तक का एक्सटेंशन, यानी कि नोएडा एक्सटेंशन के लोग भी जल्द ही मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेजी से बनते हाउसिंग सोसाइटी, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और बढ़ती आबादी ने प्रदेश सरकार का ध्यान कनेक्टिविटी बढ़ाने और नए ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ खींचा है। 130 मीटर वाले मेन रोड और सेक्टर 79 को जोड़ने वाले नए रोड पर बढ़ते दबाव के बाद अब यूपी कैबिनेट ने मेट्रो कॉरिडोर का अप्रूवल दे दिया है। 15 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर दो फेज में बनेगा जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। अब आइए जरा देखते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मेट्रो का प्रस्तावित रूट। फर्स्ट फेज में मेट्रो कॉरिडोर नोएडा के सेक्टर 51, जो कि ब्लू लाइन और इक्वा लाइन का मेट्रो इंटरफेस है, वहां से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 तक बनेगा जो 9.6 किलोमीटर लंबा होगा। इस फर्स्ट फेज में मेट्रो के 5 स्टेशन बनेंगे जिनमें से 2 मेट्रो स्टेशन नोएडा में होंगे जो सेक्टर 122-123 में स्थित होंगे। बाकी के 3 मेट्रो स्टेशन सेक्टर 4, 12 और सेक्टर 2 में होंगे जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन में होगा। सेकेंड फेज में 4 मेट्रो स्टेशन बनने का प्रस्ताव है। ये मेट्रो स्टेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 3, सेक्टर 10 और सेक्टर 12 से होते हुए नॉलेज पार्क 5 पर आके ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का आखिरी मेट्रो स्टेशन होगा नॉलेज पार्क 5। अब जरा गौर से देखें तो मेट्रो का रूट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 130 मीटर की रोड पर ही होगा जो सेक्टर 122-123 से होते हुए आगे आता है चार मूर्ति पर, और चार मूर्ति से होते हुए एक मूर्ति पर जाता है और उससे आगे जाकर ये नॉलेज पार्क 5 तक पहुंचता है, और यही रोड आगे जाकर बुडाकी और डिपो स्टेशन पर भी मिलता है। अब जरा इस मेट्रो के बजट की बात करते हैं। 2682 करोड़ बजट वाला ये मेट्रो प्रोजेक्ट अगले साल के मार्च या अप्रैल तक शुरू भी हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 1,00,000 से ज़्यादा लोग मेट्रो से नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और गुड़गांव तक का सफ़र तय कर सकेंगे। तो ये रही मेट्रो के रूट की बात। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि इस मेट्रो रूट के आसपास ऐसे कौन कौन से हाउसिंग सोसाइटीज़ होंगी जो इससे डायरेक्ट जुड़ी होंगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो आपको हमारा आने वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज का वीडियो कैसा लगा इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।